आज हम बात करेंगे Samsung Galaxy A72 के कुछ नए स्पेसिफिकेशन और लीक्स के बारे में जो अभी कंफर्म हो चुका है। तो ये जो लीक है हमें मिला है अभिषेक यादव की तरफ से, जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि आने वाले Samsung Galaxy A72 के अंदर आपको पेंटा कैमरा पीछे देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस बार Samsung के इस फोन में सबसे पहले 5 कैमरा पीछे देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है। क्योंकि मुझे जहां तक लगता था कि Samsung इन सभी चीजों के ऊपर काम नहीं करता है, मतलब 5 कैमरा, 6 कैमरा, 7 कैमरा, जहां पर 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा लेंस मिलेगा, सेकंड में आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड में आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और फोर्थ में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और लास्ट में आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा लेंस है यह है टेलीफोटो लेंस, जो आपको इस बार Samsung Galaxy A72 के अंदर देखने को मिल जाएगा पीछे में। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और वो भी पंच होल के साथ। जैसे आपको हर एक Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में बीच में पंच होल देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह से इस बार भी आपको Samsung Galaxy A72 के अंदर इन्फिनिटी ओ डिजाइन के साथ पंच होल देखने को मिल जाएगा। और इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो जैसे Samsung के ज्यादातर स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ठीक उसी तरह से इस बार भी Samsung Galaxy A72 के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और वो भी 6.6 या फिर 6.5 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले के साथ। और इस फोन के अंदर आपको 6GB रैम, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 256GB का इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट मिल जाएगा। और जो सबसे मेन चीज है एक स्मार्टफोन का वो है प्रोसेसर। तो हमें ऐसा लगता है कि पिछले बार जैसे आपको Samsung Galaxy A71 के अंदर आपको Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिला था, यानी कि Snapdragon 730 का प्रोसेसर आपको A71 के अंदर देखने को मिलता है, और इसका जो सक्सेसर आने वाला है यानी कि Samsung Galaxy A72, इसके अंदर भी हमें ऐसा लगता है कि ज्यादातर चांस ये है कि इस फोन में भी आपको Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले बार Samsung Galaxy A71 का ज्यादातर सेल इसलिए हो रहा था क्योंकि उस फोन में आपको Snapdragon का प्रोसेसर मिल जाता है, और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि Samsung Galaxy A72 के अंदर आपको Snapdragon 730G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको पिछले बार की तुलना में दे पाएगा। तो मैं यही दुआ करूंगा कि इस बार Samsung इस फोन के अंदर Exynos का चिपसेट ना दे, नहीं तो ज्यादातर लोगों को ये स्मार्टफोन पसंद नहीं आएगा। और इस फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो इस बार Samsung Galaxy A72 के अंदर आपको 5000 mAh का बिग बैटरी देखने को मिल सकता है, और साथ में यहाँ पर आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी शायद देखने को मिल जाएगा। बहुत ही हाई प्राइस में शायद आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा, मतलब जो बेस वेरिएंट है ये आपको 25,000 से 30,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि Samsung Galaxy A72 का प्राइस कितना रहता है, और जितने भी स्पेक्स थे, मतलब अभी तक जितने भी कंफर्म स्पेक्स हमें मिला है उनके बारे में मैं आपको अपडेट दे दिया हूं। तो आने वाले दिनों में जितने भी और भी फीचर हमें पता चलेगा इस फोन के बारे में मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। तो दोस्तों आपको A72 कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।